हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। आज हम आपको ये बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक बनाना बताएंगे। साइज की बात करें 0 से 8 महीने के बच्चे के आराम से आने वाली है। और अगर आपको इसे बड़ा साइज बनाना है तो ये चोली का साइज आपको बढ़ाना है। हमने इस वाली चोली का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। 2-3 और भी हमने चोली बनाई है जिसमें 1 साल के बच्चे की, 2 साल के बच्चे की, 3 साल तक के बच्चे की, तो उसमें भी उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से जाके चोली आप बड़ी बना लेंगे तो घेरा अपने आप ही घेरा अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो कितने भी बड़े बच्चे के लिए बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना है और चैनल को ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, तभी आपको आने वाले टाइम में जो वीडियो आएंगी ना वो मिलेंगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको वीडियो नहीं मिल पाएंगी। तो हमने इस वीडियो का जो चोली का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, चलिए अभी स्टार्ट करती हैं। तो इतनी चोली हमने बनाना बता दी है, अब हम घेरा स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक नॉट बना ली है और यहाँ पर इसको इस तरीके से ज्वाइन करके 3 चेन बनाएंगे। कि 3 चेन बनाने के बाद अब हम इसके पास वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन को काउंट किया तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गई हैं। ठीक है, अब 2 डबल क्रोशिया के बाद देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से फंदा लेकर और इसको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके पास वाली चेन में फ्रंट पोस्ट बना लिया हमने और अब देखिए हम फिर इस वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से 2 चेन लेके वापस इसी जगह 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, एक बी स्टिच बना लिया हमने। फिर हम देखिए क्या करेंगे, इस वाले फंदे को, इसके पास वाले फंदे को इस तरीके से उठा के फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, अब इसके पास वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। कि 1 डबल क्रोशिया बना लिया, एक इसके पास वाली चेन में और बनाएंगे। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के बाद फिर से हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। देखिए 2 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है, 1 2 2 के बाद फिर से हम इस वाले फंदे को उठा के फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब इसके पास वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन 1 2 वापस इसी जगह 1 डबल क्रोशिया। इसके पास वाले फंदे को उठा के फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, इस तरीके से बनाना है। फिर से देखिए यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाया, इसके पास वाली चेन में भी 1 डबल क्रोशिया बनाया। ये 2 डबल क्रोशिया के बाद फिर से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। क्या फ्रंट पोस्ट बना लिया, अब देखिए फिर से हम बी स्टिच बनाएंगे। तो पहले इसमें 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, बस इसी जगह 1 डबल क्रोशिया से इसके पास वाले फंदे को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से। इसके पास वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया और इसके पास वाले में बना लिया, ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। ठीक है, फिर से इसके पास वाली चेन को इस तरीके से फ्रंट पोस्ट बनाना है। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपके अच्छे से समझ आ जाएगा। अब फिर से देखिए यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन 1 2 वापस 1 डबल क्रोशिया, इसको बी स्टिच बोलते हैं। ठीक है, अब फिर से हम इसके पास वाले फंदे को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो पहली रो में और दूसरी रो में हो सकता है आपको दिक्कत लगे, आपको समझ नहीं आए, बट अगर जो मैं बोल रही हूँ ना उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो 2 रो के बाद इस डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल सा हो जाता है, बहुत सिंपल डिज़ाइन हो जाएगा। तो 2 रो तक आपको ध्यान से देख के बनाना है। ठीक है, देखिए सिंपल है, हमें एक फ्रंट पोस्ट बनाना है, एक बी स्टिच बनाना है, फिर बी स्टिच के बाद फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो एक फ्रंट पोस्ट बी स्टिच से पहले और बाद में बनाना है। ठीक है, बीच में 2 डबल क्रोशिया सादा बनानी है, फिर फ्रंट पोस्ट बनाना है, फिर बी स्टिच बनाना है, फिर फ्रंट पोस्ट बनाना है। इसी तरीके से पूरी रो कंप्लीट करनी है। जब आप लोग बनाएंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब लास्ट में देखिए क्या करेंगे हम, देखिए फ्रंट पोस्ट के बाद इसमें बी स्टिच हमारा बनेगा, 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2 चेन,
वापस इसी जगह एक डबल क्रोशिया हो गया। अब इस वाले फंदे को उठा के बी स्टिच बना ली, सॉरी फ्रंट पोस्ट बना लिया। यहाँ पर जो तीन चेन बनाई थी इसमें डाल के ज्वाइन कर लिया। इस तरीके से पहली रो हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। दो रो में आपको ध्यान देना है, तीसरी रो से आप आराम से इसको बना सकते हैं। अब देखिए फिर से हम तीन चेन बना के दूसरी रो स्टार्ट कर रहे हैं। तो तीन चेन बना ली हमने। अब देखिए इसके पास वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन को काउंट किया तो ये दो डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब जिसको हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था, सबसे पहले एक चेन लेकर और इस वाले फंदे को फ्रंट पोस्ट बनाया था ना, उसको फ्रंट पोस्ट बनाना है। फिर से देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चेन लेकर इसके अंदर डालेंगे एक डबल क्रोशिया, वापस इसी जगह डालकर एक और बनाएंगे, दो हो जाएंगी। एक चेन और दो डबल क्रोशिया, एक दो, ठीक है। फिर से एक चेन, अब इस वाले फंदे को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। जिसको हमने फ्रंट पोस्ट बनाया उसको फ्रंट पोस्ट ही बनाना है, ठीक है। फिर से हम देखिए एक चेन लेकर और एक इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक इसमें बनाएंगे। ठीक है, फिर से एक चेन लेके जो फ्रंट पोस्ट वाला फंदा है इसको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से एक चेन लेकर और इसमें बीच में डालेंगे, बी स्टिच के बीच में डालेंगे दो डबल क्रोशिया। एक चेन और दो डबल क्रोशिया इस तरीके से बनाना है, ठीक है। फिर से हम एक चेन लेकर जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया उसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। एक चेन लेके एक यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक इसके पास वाले में बनाएंगे। जो हमने दो डबल क्रोशिया सादा बनाई थी ना उसमें दो ही बनानी है, ठीक है। फिर से एक चेन लेके जो फ्रंट पोस्ट है इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। एक चेन लेके यहाँ दो डबल क्रोशिया बनाएंगे बी स्टिच में, दो बनाने के बाद एक चेन, वापस दो डबल क्रोशिया, ठीक है। इस तरीके से सेकंड रो हमें बनानी है। फिर से एक चेन लेकर जो फ्रंट पोस्ट वाला फंदा है उसको फ्रंट पोस्ट बनाना है। फिर जो सादा दो डबल क्रोशिया बनाई थी इसमें दो बनाएंगे एक चेन लेकर। फिर से एक चेन लेके फ्रंट पोस्ट वाले फंदे को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इस रो को हमें ऐसे ही बनाना है। दो रो बनाने के बाद तीसरी रो में बताएंगे क्या करना है। तो हमने ये दो रो बना ली हैं, अब तीसरी रो स्टार्ट हो गई है। तो एक चेन लेकर और हम यहाँ पे फ्रंट पोस्ट वाले को बना, तो स्टार्टिंग में जो तीन चेन बनाई थी इसमें ज्वाइन कर लिया। अब तीन चेन लेकर और तीसरी रो स्टार्ट करेंगे। तीन चेन को काउंट किया तो एक डबल क्रोशिया है, इसमें हम दो बनाएंगे। तो ये टोटल तीन डबल क्रोशिया हो गई, ठीक है। तीन डबल क्रोशिया के बाद एक चेन लेकर जो फ्रंट पोस्ट वाला फंदा है उसको फ्रंट पोस्ट बनाना है इस तरीके से। फिर एक चेन लेकर इसके अंदर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन लेकर वापस इसी जगह दो बनाएंगे। ठीक है, फिर से एक चेन लेके फ्रंट पोस्ट वाले फंदे को फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से एक चेन लेकर जो दो सादा डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें एक बनाएंगे, फर्स्ट वाले में एक बनाना है, इसमें दो बनाना है। तो इसमें एक बनाएंगे और इसमें दो बनाएंगे, तो टोटल तीन डबल क्रोशिया हो जाएंगी, ठीक है। ये तीन हो गई, देखिए एक दो तीन। फिर से एक चेन लेकर जो फ्रंट पोस्ट वाला फंदा है इसको फ्रंट पोस्ट बनाना है। ठीक है, फिर से एक चेन
और यहाँ पर दो डबल क्रोशिया, एक चेन लेके दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस रो को हमें ऐसे ही बनाना है, जब आप लोग बनाएंगे तब आपके अच्छे समझ आ जाएगा। तीन रो बन जाएंगी, चौथी रो में बताएंगे क्या करना है, ठीक है। रो चौथी रो में देखिए एक डबल क्रोशिया हो गया, तीन चेन को काउंट कर लिया तो तीन चेन बनाई हमने, और इसके पास वाले में एक बनाएंगे तो दो हो जाएंगी, फिर इसके पास वाली चेन में बनाएंगे तो तीन हो जाएंगी, ठीक है। तीन डबल क्रोशिया हमने बना ली एक एक चेन के ऊपर। अब एक चेन लेकर इस वाले फंदे को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, जो फ्रंट पोस्ट फंदा बनाया उसको फ्रंट पोस्ट ही डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चेन लेकर इसके अंदर दो डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया के बाद एक दो, दो चेन लेके फिर से दो डबल क्रोशिया। एक चेन लेके जो फ्रंट पोस्ट वाला फंदा है उसको फ्रंट पोस्ट बनाना है। चेन लेके यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया हैं, तीनों के ऊपर एक एक बनाएंगे। तीनों के ऊपर एक एक बना ली हमने। फिर एक चेन लेके जो फ्रंट पोस्ट वाला फंदा है उसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। एक चेन लेकर यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, दो के बाद दो चेन वापस दो डबल क्रोशिया, एक और ये दो, ठीक है। फिर से एक चेन लेकर जो फ्रंट पोस्ट वाला फंदा है उसको फ्रंट पोस्ट बनाना है। एक चेन लेकर इसके अंदर देखिए यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया हैं तो तीन बनाएंगे। तो इस रो को हमें ऐसे ही बनाना है, फिर आगे आपको बताएंगे आगे क्या करना है। तो चार रो हमने बना ली हैं, पांचवी रो में देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा आपको अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले तीन चेन बनाएंगे, तीन चेन को काउंट किया तो एक डबल क्रोशिया हो गई, बीच वाले में हम दो बनाएंगे। एक वापस इसी जगह एक और बनाएंगे तो ये तीन डबल क्रोशिया हो गई हैं, और लास्ट वाले में एक बनाएंगे। देखिए टोटल चार डबल क्रोशिया हमारे पास हो गई हैं, ठीक है। फिर से एक चेन लेकर फ्रंट पोस्ट वाले को फ्रंट पोस्ट बनाना है। फिर से एक चेन लेकर के अंदर दो डबल क्रोशिया, एक दो, दो चेन लेके दो डबल क्रोशिया। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। फिर से एक चेन लेके फ्रंट पोस्ट वाले को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। एक चेन लेके एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे स्टार्टिंग वाले में, बीच वाले में दो बनाएंगे। देखिए एक और ये दो, तो ये तीन डबल क्रोशिया हो गई। अब एक लास्ट वाले में बनाएंगे तो चार हो जाएंगे, ठीक है। ये चार डबल क्रोशिया हो गई है हमारे पास, ठीक है। अब फिर से एक चेन फ्रंट पोस्ट वाले को फ्रंट पोस्ट बनाना है। फिर से एक चेन लेकर इसके अंदर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया के बाद दो चेन वापस दो डबल क्रोशिया। पूरी रो ऐसे ही बनाएंगे, फिर आगे दिखाते हैं आपको। ये पांच रो बन गई हैं, छठी रो में देखिए क्या करेंगे। फिर से तीन चेन बना ली हमने, और एक तीन चेन को काउंट किया तो एक डबल क्रोशिया हो गई है।
अब इसके पास वाली चेन में एक बनाएंगे। इसके पास वाली चेन में फिर इसके पास वाली चेन में चार डबल क्रोशिया हैं तो चारों पर एक एक बार बना लेंगे। एक चेन लेकर जो फ्रंट पोस्ट वाला फंदा है, सॉरी दो चेन लेके यहाँ पर फ्रंट पोस्ट वाले फंदे को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर से दो चेन बनाएंगे, एक दो, दो चेन लेके इसके अंदर डालेंगे दो डबल क्रोशिया, दो चेन वापस इसी जगह दो डबल क्रोशिया। से देखिए एक दो, दो चेन लेके इसको फ्रंट पोस्ट वाले फंदे को फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से दो चेन, चार डबल क्रोशिया हैं तो चारों पर एक एक बनाएंगे, एक दो तीन और ये लास्ट चार, चार डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से दो चेन, एक दो, जो फ्रंट पोस्ट वाला फंदा है फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इसको। फिर से दो चेन, एक दो, इसके अंदर दो डबल क्रोशिया। दो चेन, एक दो, वापस दो डबल क्रोशिया। पूरी रो ऐसे ही बनाएंगे, आगे आपको बताएंगे आगे क्या करना है। छठी रो में छह रो बना ली है, सातवीं रो में देखिए क्या करेंगे, तीन चेन बना ली। देखिए एक डबल क्रोशिया हो गई, एक इसके पास वाली चेन में बनाएंगे तो दो डबल क्रोशिया हो जाएंगी, यहाँ बनाएंगे तो तीन हो जाएंगी और लास्ट वाले में हम दो बनाएंगे इसमें। तो एक बना ली पहले, चार हो जाएंगी, देखिए देखिए चार डबल क्रोशिया हो गई, वापस इसी जगह बनाएंगे तो पाँच हो गई। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, लास्ट वाले में हमें बनानी है दो डबल क्रोशिया। फिर से दो चेन लेके जो फ्रंट पोस्ट वाला फंदा है इसको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से दो चेन, इसके अंदर दो डबल क्रोशिया। दो चेन वापस दो डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर से दो चेन और फ्रंट पोस्ट वाले को फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इतना हमने बना लिया, अब फिर से हम दो चेन बनाएंगे। मैं एक डबल क्रोशिया बनाया इसके पास वाले में, इसके पास वाले में बना लिया, दो हो गई, इसके पास वाले में बनाएंगे तीन हो जाएंगी, लास्ट वाले में हम दो बनाएंगे, देखिए चार और ये वापस इसी जगह और बनाएंगे तो पांच हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरी रो बनाने के बाद आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। ठीक है, तो पूरी रो बनाने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं, सात रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। आठवीं रो में देखिए फिर से हमने तीन चेन बना ली हैं और अब देखिए तीन चेन को काउंट किया तो एक डबल क्रोशिया हो गया, एक इसके पास वाली चेन में बनाया तो दो हो गया। ठीक है, इन दोनों में एक एक बना लिया, बीच वाले में हम दो बनाएंगे, एक और वापस इसी जगह बनाएंगे तो दो हो जाएंगी। ठीक है, बीच वाले में हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, फिर इसके पास वाले में एक एक बनाना है तो टोटल छः डबल क्रोशिया हो जाएंगे हमारे पास। ये देखिए छः डबल क्रोशिया हो गई है, आप लोग काउंट करके देख सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः। फिर से दो चेन लेकर, अब इस बार हम तीन चेन लेंगे, तीन चेन लेकर जो फ्रंट पोस्ट वाला फंदा है उसको फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर से तीन चेन लेके इसके अंदर दो डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया के बाद दो चेन वापस इसी जगह दो डबल क्रोशिया। फिर से दो चेन लेकर, सॉरी तीन चेन लेके फिर से फ्रंट पोस्ट वाला फंदा बनाना है, फिर से तीन चेन, तीन चेन लेकर और जो ये पांच फंदे हैं ना तो एक दो, इन दोनों में एक एक बनाएंगे, बीच वाले में दो बनाएंगे, देखिए एक इसमें बनाएंगे, किसमें बनाएंगे, बीच वाले में, इसमें हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक वापस इसी जगह एक और बनाएंगे तो ये दो हो गई,
ठीक है, फिर इन दोनों में एक एक बनाएंगे, एक इसमें और एक इसमें। टोटल 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। इस रो को हमें ऐसे ही बनाना है। देखिए फिर से 3 चेन लेके जो फ्रंट पोस्ट वाला फंदा है उसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर से हम 1 2 3 3 चेन लेके इसके अंदर पहले 2 डबल क्रोशिया, वो चेन और वापस इसी जगह 2 डबल क्रोशिया। पूरी रो बनाने के बाद आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। पूरी रो बना ली है, फिर से हमने 3 चेन बना ली। अब देखिए हमारे पास 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। तो चेन को काउंट किया तो 1 डबल क्रोशिया है, इसके पास वाली चेन में बनाया तो 2 हो गई, फिर इसके पास वाली चेन में बनाएंगे तो 3 हो जाएंगी। हमें एक एक बनाना है, लास्ट वाले में 2 बनाएंगे। देखिए इसमें 1, वापस इसी जगह को और बनाएंगे। टोटल 7 डबल क्रोशिया हमारे पास हो गई हैं। ठीक है, अब फिर से 1 2 3 3 चेन लेके जो फ्रंट पोस्ट वाला फंदा है इसको फ्रंट पोस्ट बनाना है। फिर से 3 चेन, 1 2 3, फिर से इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया, दो चेन लेके फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, तो इसी तरीके से बनाना है। देखिए फिर से 3 चेन, 1 2 3 3 चेन लेके फ्रंट पोस्ट वाले फंदे को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर से 1 2 3, अब जो 6 फंदे हैं इन सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट वाले में 2 बनाएंगे तो 7 हो जाएंगे। ठीक है, इस पूरी रो को ऐसे ही बनाना है, फिर आगे बताएंगे आगे क्या करना है। ये पूरी रो हमने बना ली है, अब अगली रो में देखिए फिर से 3 चेन बना ली और 3 चेन बना के 1 डबल क्रोशिया के पास वाली चेन में बनाएंगे, इसके पास वाली चेन में भी 1 बनाएंगे तो ये 3 डबल क्रोशिया हो गई, 4 डबल क्रोशिया, 5 6 और ये लास्ट 7, 7 डबल क्रोशिया हो गई। सब पर हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, तो 7 डबल क्रोशिया के बाद फिर से हम 1 2 3 3 चेन लेके इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर से 3 चेन, इसके अंदर देखिए 1 डबल क्रोशिया बनाया, 2 3 4 5 6 7 8 7 बनाएंगे। ठीक है, सॉरी एक और बना लेंगे 8 और एक और बना लेंगे 9 डबल क्रोशिया इसके अंदर हमने बना लिया। ठीक है, इस तरीके से फिर से 3 चेन, फिर जो फ्रंट पोस्ट वाला फंदा है इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, से 3 चेन लेकर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तरीके से बनाना है, फिर से 3 चेन, 1 2 3, अब इसको फ्रंट पोस्ट बनाना है, फिर से 3 चेन और इसके अंदर हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट 9 डबल क्रोशिया के अंदर बनाना है। ठीक है,
तो इस रो को ऐसे ही बनाएंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। पूरी रो बना ली है, फिर से हमने इसको ज्वाइन कर लिया। अब इस फंदे को, जो हमने फंदे अभी तक बढ़ाए हैं उसको कम करेंगे हम। तो सबसे पहले तीन चेन ले ली और इसके पास वाले फंदे में डाल के एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीनों फंदे एक साथ निकालेंगे। एक फंदा हमने कम कर दिया और अब इसमें एक बनाएंगे, इसमें बनाएंगे, फिर लास्ट के दो फंदों को हम एक साथ कम करेंगे। देखिए लास्ट का दो फंदे को हम पहले एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस वाले में और इस वाले में। पहले एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर लास्ट वाले में डालेंगे और सारे फंदे एक साथ निकाल देंगे। तो दोनों साइड से हमें एक एक फंदा कम करना है, ठीक है। एक दोनों साइड से हमने एक एक फंदा कम करने के बाद फिर से तीन चेन वाले फंदे को फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से तीन चेन लेकर और फिर से बल लेकर, और अब जो हमने नौ डबल क्रोशिया बनाया है तो फर्स्ट वाले में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेकर सेकंड वाले में बनाएंगे, फिर से एक चेन लेके इसके पास वाले में बनाएंगे। एक एक चेन लेते जाना है, एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक एक चेन लेके बना लिया, फिर से तीन चेन लेकर फ्रंट पोज वाले फंदे को फ्रंट पोज बनाएंगे। देखिए एक दो तीन, तीन चेन लेके इस वाले में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे बट लास्ट के दो फंदे रहने दिए, ठीक है। फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे, यहाँ भी पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब सारे फंदे एक साथ निकाल देंगे। तो एक फंदा हमारा कम हो गया इस साइड से, अब एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और लास्ट वाले में भी सेम रिपीट करेंगे। देखिए एक हाफ डबल क्रोशिया अब इसमें डालेंगे, सारे फंदे एक साथ निकालेंगे। फिर से तीन चेन ले ली, दोनों साइड से हमें एक एक फंदा कम करना है, ठीक है। फिर से तीन चेन लेकर इसको उठाएंगे, फ्रंट पोज बनाएंगे, ठीक है। फिर से तीन चेन लेकर एक दो तीन चेन लेकर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेकर एक एक चेन लेते जाना है, एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो पूरी रो ऐसे ही बनाएंगे, फिर आगे आपको बताएंगे आगे क्या करना है। तो हमने ये पूरी रो बना ली है, अब ये लास्ट दो रो हमारे पास बची हैं, उसमें देखिए सबसे पहले तीन चेन बना के इसमें डालकर एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया, एक फंदा इधर से कम कर लिया, अब इसमें एक डबल क्रोशिया बना लिया, ठीक है। फिर लास्ट के दो फंदे हैं उसमें भी हम फंदा कम करेंगे। देखिए एक इसमें हाफ डबल क्रोशिया, इसमें सारे फंदे निकाल दिए, ठीक है। दोनों साइड से एक एक फंदा कम करना है, फिर से तीन चेन बना के इसको फ्रंट पोस्ट बनाना है इस तरीके से, ठीक है। फिर से एक दो तीन, तीन चेन लेके फर्स्ट वाले में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया को ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, फिर से तीन चेन एक दो तीन इसमें डाल के ज्वाइन करेंगे, फिर से तीन चेन एक दो तीन इसमें डाल के ज्वाइन करेंगे,
फिर से तीन चेन, तीन तीन चेन लेकर इसको ज्वाइन करते जाएंगे। तरीके से बनाना है, ठीक है। फिर से तीन चेन, फ्रंट पोस्ट बना लिया। फिर से एक दो तीन चेन लेकर दोनों साइड से फंदा कम करेंगे, ठीक है। इन दोनों में पहले इसमें बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे बट लास्ट का फंदा रहने दिया, इसके पास में बनाएंगे, सारे फंदे एक साथ निकालेंगे। एक फंदा कम हो गया, बीच वाले में एक डबल क्रोशिया बना लिया और लास्ट में इसमें भी दोनों इस तरीके से फंदा कम करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आप लोग मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगता है। तो देखिए, फिर से हम तीन चेन लेकर फ्रंट पोस्ट फंदा बनाएंगे और फिर से तीन तीन चेन लेकर इसको बनाएंगे। पूरी रो ऐसे ही बनाएंगे, फिर आगे आपको बताएंगे आगे क्या करना है। देखिए, पूरी रो बना ली है। अब देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले तो यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे, पास वाली चेन में एक डबल क्रोशिया इस तरीके से बनाया, देखिए इस तरीके से बनाएंगे। फिर इसके पास वाली चेन में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और अब हम विदाउट चेन के इसमें डालकर एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे या फिर एक चेन ले लेंगे, ठीक है। एक चेन लेके यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लिया फ्रंट पोस्ट वाला और फिर से एक दो तीन, तीन चेन लेकर इसमें डालेंगे, ज्वाइन करेंगे इसमें, ज्वाइन कर लिया। अब एक दो तीन चार पाँच, पांच चेन लेकर इसमें डाल के सिंगल क्रोशिया ज्वाइन किया। यहाँ से एक दो तीन चार पाँच यहाँ ज्वाइन करेंगे, फिर से एक दो तीन चार पाँच, पांच पांच चेन लेके इसमें ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। तरीके से जाली दिखेगी आपको, ठीक है। पांच पांच चेन लेके ज्वाइन करना है। अब फिर से एक दो तीन, तीन चेन लेके फ्रंट पोस्ट वाले फंदे को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब फिर से देखिए, हम यहाँ पर एक एक चेन लेके यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे या फिर तीन चेन ले लेंगे, तीन तीन चेन लेके यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक इसके पास वाली चेन में बनाएंगे, फिर एक इसके पास वाली चेन में बनाएंगे। तीनों फंदों को एक साथ निकाल दिया, ठीक है, इस तरीके से। फिर से तीन चेन, इसको फ्रंट पोस्ट बना लिया, ठीक है। तो इस रो को ऐसे ही बनाना है। पूरी रो बनाने के बाद दिखाते हैं। पूरी रो हमने बना ली है, अब लास्ट की रो बची है हमारे पास, उसमें देखिए क्या करेंगे हम। तो लास्ट वाली रो में सबसे पहले तो हम तीन चेन बनाएंगे। पहले यहाँ पर बीच में लाकर इसको स्लिप स्टिच किया, यहाँ से एक दो तीन, तीन चेन बना ली हमने। अब इस वाले फंदे को उठा के फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक दो तीन चेन लेके इसमें डाल के सिंगल क्रोशिया ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ से एक दो तीन, तीन चेन लेके इसमें जो सिंगल क्रोशिया बनाए इसमें डालकर एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर से तीन चेन लेके इसमें डाल के सिंगल क्रोशिया ज्वाइन करेंगे, इस तरीके से डिज़ाइन दिखेगा। फिर से तीन चेन लेके जो सिंगल क्रोशिया बनाए इसमें डाल के ज्वाइन करेंगे, फिर
एक दो तीन चेन लेके इसमें सिंगल क्रोशिया ज्वाइन करेंगे, फिर से तीन चेन लेके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया जो बनाया है उसमें बनाएंगे। इस तरीके से डिज़ाइन बनाना है। इस तरीके से मोती वाला डिज़ाइन हमें बनाना है। ठीक है, सिंपल सा डिज़ाइन है, आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। इस तरीके से हम बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया जो बनाया है ना उसमें ही तीन चेन लेके बना लेंगे तो एक मोती वाला डिज़ाइन बन जाएगा। अब तीन चेन लेके जो फ्रंट पोस्ट वाला फंदा है उसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, और अब हम बीच में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे सादा, और इसमें एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरीके से बनाएंगे, इसको बंद कर दिया हमने, इसको बंद कर दिया। अब यहाँ से पांच चेन लेंगे, तो देखिए एक दो तीन, देखिए तीन चार पांच, पांच चेन लेकर इसमें डालेंगे, इसको इस इधर से निकालेंगे इस तरीके से, बीच में लाके एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब तीन चेन एक दो तीन जो सिंगल क्रोशिया बनाया इसी में डाल देंगे। इस तरीके से हमने बना लिया। ठीक है, अब तीन चेन लेके फिर से हम जो सिंगल क्रोशिया बनाया इसी में डाल के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से तीन चेन लेके इस वाली जाली में सिंगल क्रोशिया ज्वाइन करेंगे, फिर से तीन चेन लेकर इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तब समझ आ जाएगा। देखिए इतना बना लिया, फिर से तीन चेन लेके जो फ्रंट पोस्ट बनाया इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक बनाएंगे हम इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ से पांच चेन बनाएंगे। डालकर इस फंदे को निकाल लेंगे। ठीक है, बीच में डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ से एक दो तीन, तीन चेन लेके वापस इसी जगह एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर से तीन चेन लेकर यहाँ पर इस जगह डाल के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से लास्ट रो हमें बनानी है। जब आप बनाएंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पूरा बनाने के बाद आगे हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो पूरा बनाने के बाद आप देखें फ्रॉक बहुत खूबसूरत सी बनी है। अब हम क्या करेंगे, एक हमने फूल बना रखा है पिंक कलर का, वो बीच में लगा देंगे। फूल का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमने पहले ही आपको बनाना सिखा रखा है, तो वो बना के बीच में लगा लें। तो ये फूल बनाने के बाद हम आपको दिखाएंगे लगा के, फूल का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। जब तक आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।